हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बेसिक एक्सेल शीट के बारे में बताऊंगा। एक्सेल शीट एक्चुअल में क्या होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सामने देख रहे हैं एक्सेल शीट है आपके, ये छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, इनको खाने बने हुए हैं। ये जितने भी खाने, हर एक खाने का एड्रेस होता है इसमें, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है। वो कैसे पता चलेगा, ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं आयत, ये एक्सेल शीट के लिए ये कर्सर का काम करता है। अब ये रेक्टेंगल यहाँ पर है, तो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये सेल का एड्रेस लिखा हुआ है A1, मतलब ये ऊपर ए, हॉरिजेंटल में ए और वर्टिकल में नंबर लिखे हैं 1 2 3 1। जहाँ पर भी ये रेक्टेंगल जाएगा उसका एड्रेस सामने वहाँ लिखा आ जाएगा D5 E13। एक्सेल के जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसमें ये जो एड्रेस है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। खाली यही यूज़ होता है, आपने क्या सेल के अंदर क्या लिखा है, क्या नंबर डाला है, क्या नहीं डाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मैथ के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा कि उनको मल्टीप्लिकेशन मैथ के जो फंक्शन होते हैं वो कैसे करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज वगैरह हम कैसे निकालते हैं। अभी मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, उसको हम टोटल प्लस माइनस डिवाइड करके देखेंगे एक्सेल में हम कैसे हम इसको करते हैं। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली। ये मैंने कुछ यहाँ नंबर लिखे हैं सामने स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम इनको सबको प्लस करके देखते हैं। तो प्लस करेंगे कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐसे, माउस का लेफ़्ट बटन को दबा के रखेंगे और ऐसे आगे करते जाएंगे। और जहाँ पर हमने नंबर लिखे हैं उससे के बाद एक और जो सेल है उसको खाली रहने देंगे। सबसे आसान तरीका प्लस करने का है, ये सिग्मा का साइन है, प्लस का साइन होता है, आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये प्लस हो गया, इन सब का टोटल यहाँ पर आ गया। अब ये इसको देखिए, इस टोटल को मैंने जब सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये कुछ फार्मूला लिखा आ रहा है, इज इक्वल टू सम F2 F9, बीच में कॉलन, मतलब ये टोटल जो है वो कैसे आया, F2 में ये लिखा है, F9 में ये लिखा है। इन दोनों को हमने लिया है खाली फॉर्मूले में और बीच में कॉलन का निशान लगाया, दो बिंदियाँ लगाई हैं और ये फार्मूला आ गया। इसको ज़रा हम यहाँ पर लिख करके देखते हैं ज़रा। इज इक्वल टू सम SUM, सम आप देख रहे हैं, सम हाईलाइट हो रहा है ब्लू से। जब भी कोई फॉर्मूला हाईलाइट होगा तो आपको टैब, जो कीबोर्ड में टैब होता है उसको दबाना है, आपका फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, या तो इसको सेलेक्ट करेंगे या उसका एड्रेस लिखेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया, देखिए क्या होता है, उसको जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो वहाँ उसका एड्रेस ही लिखा है। अब दो बिंदियाँ कॉलन की जो L के साथ जो की होती है, शिफ्ट दबा के उसको प्रेस करना है। ये दोबारा F2 आ जाता है, इसको हटाएंगे।
अब जो लास्ट नंबर है हमने उसको लेना है, जैसे फॉर्मूले में था वैसे ही करना है हमने, एफ नाइन ले लिया। अब इसको हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। और आपने देखा जैसे ही लास्ट नंबर लिया सारे के सारे सेल सेलेक्ट हो गए हैं। अब इसको एंटर करते हैं, 163,083 जो पहले हमने टोटल किया था वही आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो आपने देखा कि फॉर्मूले से हम कैसे करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 6.25 हमने कर दिया। अब हमने को डिवाइड का निशान लगाना है, 100, एंटर। 195.75 तो 3132 का 6.25% कितना हुआ, इतना हुआ। अब इसका एक और तरीका भी हम देख लेते हैं। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड के अंदर परसेंटेज का भी निशान होता है। हम 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, खाली परसेंटेज का निशान लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 6.25। अब 5 के ऊपर परसेंटेज का निशान होता है, आपने देखा होगा, तो शिफ्ट दबा के आएगा, ये ध्यान रखना है। एंटर 195.75। आपने देखा जैसे पहले निकाला था वो बिल्कुल सेम आंसर आया। तो आज आपने तीन से चार तरीके से कैसे प्लस करना होता है वो देखा, और माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप घर में प्रैक्टिस करेंगे या जहाँ भी जिसके पास कंप्यूटर है वहाँ पर बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, आई विल गिव यू सम मोर एडवांस एक्सेल फार्मूला। सो प्लीज़ कीप वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। इफ़ यू सब्सक्राइब देन माई ऑल वीडियो यू कैन सी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।